हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी ब्यूटी स्टोर। सो गाइस, मैं हूँ नंदिनी और मैं अपने चैनल पर देती हूँ नई रेमेडी और मेकअप से जुड़ी जानकारी। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए गाइस, आज की हम नई रेमेडी लेकर आए हैं आपके लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी, अगर किसी के भी फेस पर पिंपल्स परेशानी है या आपके फेस पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है या वगैरह वगैरह, आप कह लीजिए दाग, काले दाग धब्बे हो जाते हैं, स्किन ब्राइट नज़र नहीं आती, स्किन फेयर नज़र नहीं आती है, तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त और बेस्ट रेमेडी लेकर आई हूँ। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें गाइस, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में टाइम से पहले पहुंच जाए गाइस। तो चलिए गाइस, बढ़ जाते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने आधा खीरा ले लिया है, आधा कच्चा आलू ले लिया है और यहाँ पर मैं आधा ले लूँगी एलोवेरा, ठीक है गाइस। और यहाँ जो चौथी चीज़ है वो मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको, नींबू। सो नींबू आप लोग डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें दिखा दिया है, जिसकी स्किन पर नींबू सूट करता है वो नींबू लगाए, बट मुझे बहुत कम सूट करता है इसलिए मैं नींबू नहीं डालूंगी। मैंने सिर्फ दिखा दिया कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि छिलके के साथ ही, और हाँ गाइस, मैंने इन सारी चीज़ों को धो लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले आलू को कद्दूकस किया है, ये देखिए। इसके बाद गाइस मैं कर दूंगी यहाँ पर खीरे को, खीरे को भी मुझे छिलके के साथ ही करना है, क्योंकि गाइस इन सभी चीज़ों के छिलके में जो है कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे स्किन के दाग धब्बों को लाइट करने में, यानी कि जो दाद भी हो जाते हैं, ईचिंग खुजली जैसी समस्या होने लगती है, तो ये छिलके हमारे उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं गाइस। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपका आलू भी कद्दूकस कर लिया है, खीरा कद्दूकस कर लिया, और अब यहाँ पर मैं एलोवेरा कद्दूकस कर रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मेरी ये पैक कह लीजिए या क्रीमी टेक्सचर कह लीजिए तैयार है बिल्कुल। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी गाइस, ताकि अच्छे से तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएं, ये देखिए गाइस। और अगर आपकी स्किन पर ज़्यादा, आपको अगर नींबू सूट कर जाता है तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, बट मुझे बहुत कम सूट करता है, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला, आप लोगों को दिखा दिया है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने ये लिक्विड एक तरफ, एक दूसरे बाउल में निकाल लिया अच्छे से। इसी तरीके से गाइस आपको भी प्रोसेस करना है, इन तीनों चारों चीज़ों को घिस करके, कद्दूकस कर करके इनका जो रस होता है उसे निकाल लेना है एक तरफ। तो ये देखिए गाइस, ये कम से कम 2 बड़ा चम्मच रस निकल आया है, और जो यहाँ मटेरियल बच गया गाइस उसका हम यूज़ करेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं, इसी का हमें यूज़ करना है। तो किस तरीके से गाइस, तो ये देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लूँगी और रोज़ वाटर से अच्छे से हाइड्रेट कर लूँगी गाइस। इसके बाद में मैं अपनी जो है मसाज करना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये देखिए, जो मेरे पास मटेरियल बचा है उसको मैं ले लूँगी अपने हाथ से और अपने फेस की धीरे धीरे मसाज करना स्टार्ट कर दूँगी राउंड सर्कल में। ये देखिए गाइस, जैसा कि मैं अक्सर हर वीडियोज़ में बताती हूँ कि आप अपने स्टेप का विशेष ध्यान रखें, जो भी स्टेप आप चला रहे हैं उसे नीचे से ऊपर की ओर चलाएं गाइस। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी स्क्रबिंग हो जाएगी, आपकी डेड स्किन निकल जाएगी, और अगर आपके फेस पर दाग धब्बे जैसी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी गाइस। तो ये देखिए, इसी तरीके से गाइस आपको मसाज करनी है पूरे फेस से लेकर नेक तक। और हाँ गाइस, आप इसे फुल बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके फुल बॉडी, कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी पर भी छोटे छोटे रैसेस हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, ये उनको भी दूर करती है और स्किन को फेयर बनाने में बहुत अच्छा काम करेगी। और गाइस साथ के साथ ये हमारी स्किन के ड्राइनेस को भी कम करेगी, क्योंकि गाइस खीरे में बहुत ज़्यादा हाइड्रेट होता है, यानी कि खीरे में बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है, जो कि उसके विटामिन जो होते हैं वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, और हाइड्रेट करने के बाद में स्किन की प्योरिटी की निखारते हैं, प्योरिटी के साथ साथ हमारी स्किन की पानी की कमी को दूर कर देते हैं गाइस। जिस तरीके से हमारे बॉडी में भी पानी की कमी हो जाती है, उसी तरीके से हमारी स्किन में भी हो जाती है, क्योंकि उसी के बाद में क्या होता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और फटने लगती है। लेकिन ये रेमेडी अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्किन कंट्रोल हो जाएगी, बहुत ही खूबसूरत नज़र आने लगेगी। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए अपने फेस पर इसे रोक दिया था ड्राई होने के लिए, और अब मैंने अपने हाथों पर भी किया इसको, हाथों पर करने के बाद में गाइस मैंने क्लीन कर लिया। तो ये देखिए गाइस, आपको हल्की हल्की सी शाइन भी नज़र आ रही होगी। इसके बाद में आप क्या करेंगे, आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र हो या फिर आप गोले का, तिल का या जैतून का तेल यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी पर। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने अपने फेस को क्लीन कर दिया अच्छे से, 10 मिनट मुझे हो चुके हैं गाइस। तो ये ड्राई हो चुका था, यानी कि ये सूख चुका था, तो अब मैं इसे क्लीन कर दूँगी, ये देखिए, साफ़ पानी के साथ में। जैसा कि मैं बताती हूँ, अगर विंटर में आप ये रेमेडी कर रहे हैं, कोई भी रेमेडी आप विंटर में करें, तो गुनगुने पानी के साथ करें गाइस। तो यहाँ पर देखिए, मैं अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी, और गाइस अब आ जाते हैं हम इसके मेन फेस पैक की तरफ। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पर हम कुकुम्बर फेस पैक बनाएंगे। तो कैसे बनाना है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ले लिया कॉफ़ी पाउडर और 1 चम्मच ले लिया मैंने चंदन फेस पैक, ठीक है गाइस। और अब मैं ये जो मिक्सिंग का हमारा जो ये लिक्विड है कुकुम्बर, इसको मैं मिला लूँगी गाइस। तो ये देखिए, कम से कम आराम से 3 से 4 चम्मच में से अच्छे से डाल लूँगी, ताकि थोड़ा ना पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट, मिक्स पेस्ट बन के तैयार हो जाए, जो हमारे स्किन पर बहुत अच्छे से लग जाएगा गाइस। तो ये देखिए, अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी, इसके अंदर बिल्कुल दाने नहीं रहने चाहिए, और अच्छे से मिक्स हो जाएगा गाइस।
तो ये देखिए इसी तरीके से गाइज आपको भी करना है, अच्छे से इसे मिक्स कर लेना। मिक्सिंग का विशेष ध्यान रखें गाइज, क्योंकि इसके जो कण होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं, उनको हमें मिक्स करने में टाइम लगता है, तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लें। जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए तब हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए गाइज अप्लाई करने का तरीका, नीचे से ऊपर की ओर लगाएं। इससे क्या होगा गाइज कि आपकी स्किन लूज भी नहीं होगी और स्किन जो है टाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा मैंने बताया थिकनेस आप अपने फेस पैक की इसी तरीके से रखनी है और पूरे नेक तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया है कि आप इसे फुल बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको फेस पर ही करके दिखा रही हूँ, तो इसी तरीके से आपको अपने फेस पर लगा लेना है। आई होप गाइज कि आपको मेरी रेमेडी पसंद आ रही होगी, वीडियो समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर गाइज में ये देखिए मैंने अच्छे से फेस पैक को अप्लाई कर लिया है और इसे मैं अपने फेस पर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए अपनी स्किन पर छोड़ दूंगी इसे ड्राई होने के लिए। गाइज ये देखिए इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, और यहाँ पर देखिए गाइज ये ड्राई हो चुका है अच्छे से और अब मैं इसे निकाल दूंगी गाइज। तो ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है गाइज। अगर आप चाहें आपकी स्किन पर जो मैंने पहला प्रोसेस किया था वो ना भी करें, और अगर आप उसके साथ में इस प्रोसेस को करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज ये देखिए मैंने पहले स्क्रबिंग कर ली थी अच्छे से अपने फेस पर, उसके बाद मैंने फेस पैक लगा लिया है। अब वो ड्राई होने के बाद में सूख गया, अब मैं इसे निकाल दूंगी। तो ये देखिए गाइज यहाँ मैं इसे ठंडे पानी के साथ में क्लीन कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से भी आपको क्लीन कर लेना है गाइज। तो ये देखिए गाइज मैंने अच्छे से अपने फेस को बाथरूम में जाकर धो लिया था। तो अब मैं क्या करूँगी गाइज अपने फेस की जो है मालिश करूँगी, यानी कि मैं ले लूँगी यहाँ पर ये गोले का तेल। मैं अक्सर अपने वीडियोस में दिखाती हूँ, मैं गोले का तेल ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छे से सूट करता है। तो ये देखिए गाइज हल्के हल्के हाथों से टैपिंग के साथ में मैं इसे लगा लूँगी और उसके बाद मैं अपने फेस की मसाज करनी स्टार्ट कर दूँगी, जैसा कि मैं अक्सर अपने हर वीडियोज़ में दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइज ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है और आपकी स्किन को ग्लो करता है, स्किन में ग्लो लाता है गाइज। तो आप जब भी ये रेमेडी या जो भी प्रोसेस आप करते हैं हमेशा गाइज नाइट में ही करें, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको इसको अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट कूल और बहुत ही फ्रेश नज़र आएगी। तो ये देखिए गाइज आप ये रेमेडी कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी रेमेडी गाइज। तो ये देखिए गाइज यहाँ पर मेरा जो प्रोसेस है ये पूरा हो चुका है और अब आप देखिए कि मेरी स्किन कितनी फ्लॉवलेस काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगी। तो ये देखिए गाइज कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से गाइज आपको रेमेडी करनी है। तो वीडियो कैसी लगी गाइज मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय गाइज, टेक केयर।